सभी कैंपियरगंज के सम्मानित गण, सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी, सभी का स्वागत करती हूँ। नंदन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हाँ, गटैया बैठ गए बा। चार महीना से लगातार दहाड़त हई, गटैया बैठ गए बा। और मंत्री जी तो पैदल हो गए हैं, अब रगड़ देने की जरूरत है। जो कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे, अपना लड़का बच्चा लेकर, अपना मेहरारू को लेकर डोर डोर घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं। और क्या कह रहे थे फेसबुक में, जो कभी आते नहीं थे ऑनलाइन, कल फेसबुक में आ गए। रे काजल निषाद और काजल निषाद के सभी भाई फेसबुक में बोल रहे हैं, हमहू बोलब। तो फेसबुक पर आ गए, लाइव बोल रहे थे कि सब हीरो गिरी। हमारे भाई सब हीरो है, हमारे भाई सभी हीरो है। और आप बिल्कुल अमरीश प्यूरी जैसे दिखते हैं भैया। पहली बार हमने चेहरा देखा, हमको समझ में नहीं आया, लाइव कर रहे थे, पूरा मलपट्टा दिख रहा था उनका। इजन कोहरा ना होला, बथुआ कोहरा बथुआ जैसे मुंह वाले मंत्री जी हमारे भाइयों के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। अब कसम से बतावत है, जब जब जनसंपर्क करूंगी और ऐसा मढ़ई पे कोहरा बथुआ देखूंगी, तब तक मंत्री जी का याद आई। और हमारे भाइयों को बदनाम करेंगे। दिख रहा था और मंत्री जी जैसे ही बोल रहे थे, ससवा फूलत रहे, पसीना गर गर चुवत रहे, बौखला गए। जैसे दिए कि लो पूछने वाली होती है और फड़फड़ाती है, मंत्री जी बिल्कुल ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। पता चल गए कि बोरिया बिस्तरा पारे पड़ी 10 तारीख के, अब हमार खदेड़ा हो जाए कैंपियरगंज से। तो क्या यहाँ आजीवन रहने आए हो? कह रहे थे कि हमने इतनी नौकरियां दी, इतना विकास किया, ये काम किया, के करी के करी। आप ही जीत रहे हैं तो आप ही करेंगे ना, जीत आप रहे हैं। जनता की छाती पर मूंग आप डल रहे हैं 30 साल से, उसके पहले उनके पिताजी 50 साल से आप ही यहाँ कैंपियरगंज में स्थापित है, तो कौन करेगा? और ऐसा तो क्या काम किया है बताएं मुझे। लाइव दिखाती हूँ मैं, डोर टू डोर चलती हूँ मैं, लाइव दिखाती हूँ आप सबको। हर किसी के जेब में आज मोबाइल है, टीवी तो कोई बाद में खोलता है, आज का जमाना अलग है। मोबाइल पहले खुल जा रहा, सोशल मीडिया पहले खुल जा रहा, वो मैं दिखा ला ना, दिखाती हूँ मैं, खुद ही गड्ढा नहीं खोदती हूँ, गड्ढा है वो रास्ते पर, गड्ढा है वहाँ पानी भरा है। हमको तो लगता पानी नहीं भरा, वो सैनिटाइजर भरा है मंत्री जी ने। जाओ डूब जाओ, कोरोना खत्म हो जाए। हम कहे थे ऐसा खड्डा में ऐसे मंत्री जी को पूरी रात बिठाना चाहिए, वहां कपड़ा उतार कर, और उसे भी तकलवा इतना चमका था, पूरा पता जाए अच्छे से किचड़वा, और वही में खिली कमलवा था। ऐसे मंत्री जी का खदेड़ा होना चाहिए, जो आपके ऊपर मुकदमे लगाता है, आपके घर गिरवाता है, आपका घर सीज करवाता है, डराता है, धमकाता है। और इन दिनों तो भैया हमारे निषाद समाज के हर एक टोले में जा जाकर जबरदस्ती झंडा लगाना है। अरे झंडा ही लगाना है तो ऐसा दिलों में लगाओ ना, दिलों में, यहाँ दिलों में झंडा लगाओ, जबरदस्ती ना है। झंडा लगाने में कोई बुराई ना है, भाजपा के लगा ला, समाजवादी के लगा ला, बसपा कांग्रेस में कोई बुराई ना है। लेकिन अगर झंडा आपके घर पर लग रहा है तो वो आपकी मर्जी से लगना चाहिए, किसी और की मर्जी से नहीं लगना चाहिए। इसी बात को समझ लीजिएगा, आप
से नहीं जिएंगे। आप ये बात समझ लीजिए, कैंपियरगंज की जनता सर्वप्रथम इस बात को समझ ले कि आपने नेता चुना है, आपने नेता बनाया है, आपने विधायक बनाया है, तो राजा वो नहीं, राजा आप है। यादव समाज चल रहा है, राजभर समाज चल रहा है, पंडित समाज चल रहा है, निषाद समाज चल रहा है, मुस्लिम समाज चल रहा है, मौर्य समाज चल रहा है, विश्वकर्मा समाज चल रहा है, हर जाति धर्म के लोग मेरे साथ चल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, हर जाति धर्म का अपमान किया, ब्लॉगिंग करने का ही उद्देश्य है और कुछ भी नहीं है, किसी भी मतलब समाज में मेरा कोई बोलने वाले सरकार है। करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों को याद होगा भोईदरपुर की घटना 2020 की ये घटना है। हरपुर के बिपिन सिंह, इनके जो चतुवारे हैं, जो ठेका पट्टी चलाते हैं, मंत्री जी के राइट हैंड कहलाते हैं, क्या किया था इन्होंने 2020 में? दलितों का 11 एकड़ का पूरा फसल जला दिया गया था। और महिलाएं जब अपने फसल को, जब अपने अन्न को बचाने के लिए आई थी, तो कुत्ते दौड़ा के नोचवा रहे थे, कटवा रहे थे। महिलाओं की इज्जत करेंगे? कल हमारे बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे थे, ये महिलाओं की इज्जत करने वाली सरकार बिल्कुल नहीं है। अरे जो चीरहरण करती है महिलाओं का, चुनाव के समय नामांकन करने जा रही महिला का चीरहरण करती है ये सरकार। तो आपको तय करना है, आपको सोचना है कि नवरात्रि में तो दुर्गा की पूजा करेंगे, ऐसा बड़का बड़का लोग पहले काम करते हैं, जाके नवरात्रि में दुर्गा पूजा करेंगे और दिवाली में लक्ष्मी पूजा करेंगे, और कोई महिला अगर लड़ रही है तो उनको अपमान करेंगे, उनके समाज को अपमान करेंगे, जो साथ में चलने भाई हैं उनके समाज को अपमानित करेंगे। आप सबको 3 तारीख को याद रखना, क्योंकि जैसे ही मैं चलती हूँ डोर टू डोर, सब समाज के लोग मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, और ये गाड़ी उन्होंने मुझे नहीं दी है, आप सबको दी है। ये याद रखना, 3 तारीख को याद रखना, क्योंकि 10 तारीख के बाद उनके घर पर जाकर घसीट कर सड़कों पर आपके बीच में लाने की जरूरत है, और वो काम मैं करूंगी। आप सब याद रखिएगा, वो काम मैं करूंगी। मैं भूलने वाली नहीं हूँ ये अपमान, मैं भूलने वाली नहीं हूँ, मेरा ये मेरे भाइयों का ये अपमान आप लोग भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये अपमान हम सब का ये किए है। कह रहे थे इतने लोगों को हमने नौकरियां दी, क्या किया आपने? कौन से क्षेत्र में आपने इंजीनियर बना दिए, कौन से वकील बना दिए, कौन से डॉक्टर बना दिए, कौन से SP बना दिए, कौन से SO बना दिए, क्या बना दिया आपने? सिर्फ अपने ही लोगों का विकास करोगे और जनता पर राज करोगे। जनता जैसे ही कहेगी मंत्री जी नमस्कार कहेंगे, चल दूर है, ऐसे धुतकारेंगे। कितने लोगों को ऐसे धुतकार दिया? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मंत्री जी ने धुतकारा भी होगा और मुकदमे भी लगाए होंगे। तो मैं कह रही हूं, अगर हो रही है मुकदमे से घुटन, तो दबाइए साइकिल का बटन। अब महंगाई कितना हो गई बा, हमारे बहनी सुनती है, चाची करूब तेल कितना हो गए, कितना हो गए, पनियम छोटा लगाई, अब का कितना करूब तेल हो गए, कुल चीज के महंगाई हो गई। कैसे कोई जिएगा, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, बताइए? कुल चीज के महंगाई, ऊपर से इतना बेरोजगारी, ऊपर से लड़कन का भविष्य खराब होता, स्कूल में पढ़ना पाता लड़का, जीवन बर्बाद होता, दूर दूर लड़का बैठी तो कहला सब कोरोना बा, दूर दूर लड़का पड़ी तो कहला कोरोना बा, और वहां खिचड़िया चढ़ला बाबा के दरबार में, सटा सट भीड़ निरहुआ सटल रहे, कितना भीड़ होला वहां कोरोना ना बा, रैली में निरहुआ सटल रहे,
इतना भीड़ होला कोरोना नाय बा सब नाटक बा लड़का पढ़ी नहीं तो सवाल ना पूछी लड़का पढ़ी नहीं तो हक ना मांगी सरकार से यह करनी कथनी मनता कुछ चीज पोस्टर में लगल रही इतना लाख करोड़ के पैकेज दे दिया इतना लाख करोड़ के रोजगार मिलल बा इतना लाख करोड़ के इथी मिल गल घरवा मिलल बा आवास मिलल बा गैस का बाटला मिलल बा कहाँ बा बा ए चाची देखत ही बा गैस का बाटला चूल्हा में ना खाना बनता चूल्हा में जब करीखा होला पोत दिया 3 तारीख के मंत्री जी के ऊपर ठीक ना आप लोगों को तय करना है कैंपियरगंज की जनता को तय करना है मौका अच्छा है अवसर अच्छा है इसको हम सुअवसर करेंगे लोहे गरम है मार दीजिए हथौड़ा आप लोगों को तय करना है कौन सी सरकार चाहिए आपको अनपढ़ बनाने वाली और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली भाजपा की सरकार चाहिए कि सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने वाले अखिलेश यादव जी की समाजवादी की सरकार चाहिए तय कर लीजिए आप ऐसा अवसर नहीं मिलेगा इस बार जरा सा भी चूक गए ना बहुत पीछे हो जाएंगे और मेरे निषाद समाज के लोग ध्यान से सुन लीजिएगा मान प्रतिष्ठा का सवाल है मान प्रतिष्ठा दांव पर लगा है 8 ही दिन बचा अपने अपने स्तर से लग जाइएगा इस बार निषाद समाज ने इतनी सी भी चूक कर दी जीवन में कौन कभी निषाद समाज पर भरोसा नहीं करेगा टिकट नहीं देगा इसीलिए अपने समाज से एक अपील करना चाहती हूँ मान प्रतिष्ठा बचा लीजिएगा तय कर लीजिएगा निर्णय कर लीजिएगा कौन सी सरकार चाहिए इबाजा गाजा वाली मदारी सरकार चाहिए क्या आपकी आवाज उठाने वाले विकास पुरुष अखिलेश यादव की सरकार चाहिए कौन सी सरकार चाहिए आपको आप तय करिएगा आप निर्णय करिएगा कि महिलाओं का जी हरण करने वाले दुशासन और दुर्योधन की सरकार चाहिए कि महिलाओं की लाज रखने वाले भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी के बेटे अखिलेश यादव की सरकार चाहिए आप तय करिएगा आप निर्णय करिएगा ये आपका चुनाव है ये मेरा चुनाव नहीं है मंत्री जी बैठे हुए हैं बुखार गए पसीना चूरा रगड़ दीजिए डरने की जरूरत नहीं है आपकी बहन आपकी बेटी आपकी साथी काजल निषाद आपके साथ खड़ी है किसी तरह आपकी आवाज उठाएगी डरने की जरूरत नहीं है मैं आपके साथ हूँ और हमें भाजपा नहीं चाहिए लगा दीजिए एक नारा कि नहीं चाहिए भाजपा